ये कहानी उन दिनों की है जब नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में उसका और उसकी रूममेट सानिया का पहला दिन था। उन दोनों के मन में भी रैगिंग का डर बैठा हुआ था। उनके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सीनियर्स ने उनको बुलाया था। दरवाजा खुलते ही सामने उनके सीनियर्स प्रियंका, विक्की और मनीषा खड़े नजर आए। आओ आओ, वेलकम पापा की परियों। चलो जल्दी से अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा है और मेरा सानिया। तुम लोग इतना टेंशन मत लो, हम लोग तुमको ऐसा वैसा टास्क नहीं देने वाले जिससे तुम लोगों को शर्मिंदगी हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तुम दोनों का हो गया तो चलो अपने अपने कमरे में पहुँचो। तुम दोनों हमारे साथ आओ, 8वीं मंजिल पर तुम्हारा सरप्राइज छुपा हुआ है। 8वीं मंजिल का नाम सुनकर नेहा और सानिया और ज्यादा डर गईं, क्योंकि 8वीं मंजिल पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई रहता हो। वो पूरी तरह सुनसान था और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। मौ क्या देख रही हो, चलो बाहर निकलो। ना चाहते हुए भी वो दोनों उनके साथ 8वीं मंजिल पर पहुंची। वो उनको एक कमरे में ले गए जहां रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं था। प्रियंका ने उन दोनों को चेयर पर बिठाया, फिर उसने टेबल पर चार मोमबत्तियां लगाई और फिर एक बोर्ड टेबल पर रखा जिस पर आउजा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल शीशा रखा हुआ था। अब आएगा मजा। ध्यान से सुन लो, हम सभी अपने हाथों को थाम कर बोट के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट करेंगे। रूह के आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना है जब तक रूह खुद से हमें गुड बाय बोलकर चली ना जाए। कोई उठेगा नहीं, ठीक है? अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कमरे में ठंड बढ़ने लगी और बोर्ड पर रखा गोल शीशा अपने आप खिसक कर हेलो पर पहुंच गया, जिसे देख सबको थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन प्रियंका ने हिम्मत करके अगला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? वो शीशा अपने आप अल्फाबेट्स पर घूमने लगा और उनसे मिलकर एक नाम बना, वंदना। अब नेहा के डर का कोई ठिकाना नहीं था। उसने डर के मारे अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं खेलना ये गेम। ये तुमने क्या किया? हमें उस ईविल को वापस भेजने से पहले हाथ नहीं छोड़ना था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी और उनको एक खतरनाक हंसी सुनाई दी। उसे देखकर सभी वहां से भाग निकले, भागते हुए नीचे पहुंचे। अब क्या होगा? वो रूह हमारे पीछे आएगी? ये सब इस नेहा की वजह से हुआ है। तूने हाथ क्यों छोड़ा था? फिर विक्की ने नेहा और सानिया से कहा, अब कुछ भी हो इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, तुम दोनों चुपचाप अपने रूम में चली जाओ। नेहा और सानिया बहुत डरी हुई थी। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन विक्की और मनीषा लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टडी कर रहे थे। उन दोनों के अलावा वहां उस वक्त कोई नहीं था। तभी रैक से एक किताब जमीन पर गिरी और उसकी आवाज से दोनों चौंक गए। ये बुक अपने आप कैसे गिर गई? अगले ही पल दो और किताब रैक से निकलकर उन दोनों के मुंह पर आ लगी। ये क्या हो रहा है? तभी उनके कानों में एक जोरदार हंसी गूंजी जिसको सुनकर दोनों और ज्यादा डर गए। आवाज की तरफ देखने पर उनके सामने वंदना खड़ी नजर आई। ये तो वही। भागो! वो दोनों डर कर मेन डोर की तरफ भागे। उनके पहुंचने से पहले ही एक बड़ी सी अलमारी अपने आप अपनी जगह से खिसक कर दरवाजे के सामने पहुंच गई। अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते थे। बहुत शौक है ना तुमको रैगिंग करने को? बहुत मजा आता है ना नए स्टूडेंट्स को सताने में? उसने मनीषा का गला पकड़ लिया और उसे लेकर हवा में ऊपर उठने लगी। उसने मनीषा की गर्दन काट दी और उसकी लाश जमीन पर धड़ाम से गिर गई। मदद, मदद करो, कोई है? कोई नहीं है।
ऐसा कहकर वो उस पर झपट पड़ी और उसके चेहरे पर अपने तेज पंजों से हमला करने लगी। फिर उसने विकी को जमीन पर पटक दिया। वंदना ने अपनी आंखों के इशारे से एक बड़ी अलमारी को ऊपर उठा लिया और उसको विकी के ऊपर गिरा दिया। विकी उसके नीचे गिरकर कुछ देर फड़फड़ाया और उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर फैली तो कॉलेज में दहशत का माहौल बन गया और सबसे ज्यादा नेहा और सानिया डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन दोनों की जान उसी औजा बोर्ड के जरिए आई वंदना की रूह ने ली है। रात के वक्त दोनों अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें प्रियंका के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये तो प्रियंका की आवाज है, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? वो दोनों कमरे से बाहर निकली तो देखा कि प्रियंका के कमरे के बाहर और भी बहुत से स्टूडेंट्स जमा थीं और वार्डन दरवाजा खोलने के लिए उसका दरवाजा पीट रही थी। तुमको रैगिंग करने में बहुत मजा आता है ना? तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से कितने स्टूडेंट्स अपने ख्वाब को पूरा करने के पहले ही खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मामा, मामा मुझे माफ करो, मैं कभी किसी की रैगिंग नहीं करूंगी। जा, आज तक जितने भी स्टूडेंट्स की रैगिंग की है सबसे मुआफी मांग। दरवाजा खुल गया और प्रियंका बाहर निकली। अभी तक उसने जितने भी स्टूडेंट्स की रैगिंग की थी उन सभी से उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सभी ये देखकर हैरान थे। तभी उसकी टांग हवा में ऊपर उठ गई और वो अपने आप घिसटकर बाहर की तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घसीट रहा था, मगर नजर कोई नहीं आ रहा था। बाकी सभी उसके पीछे भाग रहे थे। वो हॉस्टल के पीछे काफी सारा दलदल जमा था, उसके अंदर समा गई। उसका सिर्फ एक हाथ ऊपर निकला रह गया। वार्डन के साथ दो स्टाफ भी वहां पहुंचे। सभी पीछे हटो। उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको ऊपर खींचने लगे। उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला तो सभी की चीखें निकल गई। प्रियंका बेहोश पड़ी थी और उसके पैरों से एक लड़की की लाश लिपटी हुई थी। वार्डन के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था और अगले ही पल वंदना की रूह सबके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं कुछ साल पहले यहाँ तालीम के लिए आई थी, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने खुदकुशी कर ली। जब इस वार्डन को ये बात पता चली तो हॉस्टल के बदनामी के डर से तो इसने उन्हीं सीनियर्स के साथ मिलकर मेरी लाश को यहाँ दलदल में डुबा दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। वंदना की रूह ने सबके सामने वार्डन पर हमला किया और उसकी गर्दन तोड़ डाली, फिर हवा में गायब हो गई। शायद अब उसकी रूह को सुकून मिल गया होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स डरे सहमे हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। नेहा और सानिया भी जब अपने कमरे में पहुंची तो टेबल पर रखी हुई चीज को देखकर उनका दिल दहल उठा। औजिया बोर्ड उनकी टेबल पर रखा हुआ था और उसका शीशा एलों की चारों तरफ घूम रहा था।